गुड मॉर्निंग। तो आज सुबह सुबह देख रहे हैं, मतलब सुबह टाइम हो रहा होगा, 7:30 हो रहा होगा, वीडियो अभी एक्सपोर्ट हो रहेगा। और मुझे मेरी प्यारी को देखना है यार। ये देखिए, जैसे आया नवेश ने मुझको मेरे गाड़ी देखनी, गाड़ी कैसी है, 10 दिन में जंग तो नहीं लग गया? नहीं नहीं नहीं, सब क्लीन है यहाँ पे। ओ हो, क्या पैकिंग किया है यार गाड़ी का। तो ऐसे तो मैं इसको लद्दाख लेके जा सकता हूँ। ओ माय गॉड, लवली। बाद में सब ठीक है, सब ठीक है, बाद में खोलेंगे, बाद में देखेंगे, दोनों गाड़ी को चालू करेंगे। प्यारी डुक को भी देख लो कि डुक को भी कैसे पैक करके रखा है, पूरा थैली से कवर कर दिया भाई। क्या बोलना अभी, मैं इसे चेक कर रहा था, इसे सर्विसिंग का टाइम हो गया, जल्दी सर्विसिंग में जाने वाला है, जल्दी 2-3 दिनों में सर्विसिंग में जाएगा गाड़ी। हाँ जाएगा, टाइम हो चुका है। ओके, सो दिल्ली में जब मिले थे हम दोस्त, अपने दोस्त सब्सक्राइबर से, एक नवीन जी और एक रोहित जी। तो नवीन जी ने तो हमें पूरा दिल्ली घुमा दिया भाई एकदम मज़े से। तो रोहित जी ने हमें कुछ गिफ्ट दिया था, और ये है वो दो गिफ्ट, लेकिन इसमें से मेरा वाला कौन सा है, और एक तो था गिफ्ट का कुछ तो काम है, वो मैं बाद में करूँगा। तो इसमें से मेरा वाला कौन सा, मैं कन्फ्यूज़ हूँ। सो मैं फ़ोन करके उनसे पूछता हूँ कि मेरा वाला कौन सा गिफ्ट है, और बाकी आज का काम करते हैं। वो देखिए, आपको फ़ोन में दिख रहा है एक बॉक्स, जो यहाँ पे ये बॉक्स है। हाँ जी, खोलते, ओपन करते, करते ओपन, कितने टाइम है इसकी, ओपन करते हैं। ओके, क्या काम की चीज दी है भाई। लगता है मेरे पूरे ब्लॉग देखते हैं भाई, उनको मालूम है मेरा वॉलेट का क्या हाल हुआ है। क्यों रोहित भाई, थैंक यू, कमाल की चीज़ दी है, जो रेगुलर काम आएगा और आपकी याद आएगा। भाई मुंबई की बारिश आ रही है, जा रही है, आ रही जा रही है। इधर देखो KTM किस तरह पैक है भाई। इसको फटाक से मैं ओपन करता हूँ और चालू करते हैं, और थोड़ा मोड़ा सभी से जाके मिलते हैं कि भाई मैं आ चुका हूँ, वही सर जाके मिलते हैं। क्या थैली से भी पैक कर दिया इसको यार, ये देखो, घर वाले मानते नहीं यार, मानते नहीं। तो ये देखिए, यहाँ पे बिल्कुल पानी भी नहीं गया भाई। ओ हो हो हो, लग गई वाट यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पे वायर काट दिया चूहे ने। चूहे ने वायर काट दिया, गाड़ी चालू नहीं होगा, प्लग वायर काट दिया चूहे ने। ये देखिए, दिख रहा है आपको, प्लग वायर काट दिया है। धन्यवाद महाराज जी, धन्यवाद। गहरा है पूरा, अंदर दिख नहीं रहा होगा, ये दिख रहा है आपको, फोन जला के दिखाता हूँ। ये देखिए अंदर, इसका वायर काट दिया है, दिख रहा है आपको। अब क्या करें, इससे मैंने गाड़ी को कवर से निकाला और देखा, हेड के ऊपर जो प्लग वायर है, प्लग वायर, हाँ प्लग वायर, वो चूहे ने काट दिया है। अब गाड़ी चालू होगी नहीं, क्योंकि पूरा करंट जो इंजन के ऊपर जाएगा। अब जाके पता करते हैं, शमशाद के पास जाता हूँ और शोरूम में जाता हूँ कि भाई कैसे ठीक होगा। तो था ही, क्योंकि भाई गाड़ी को कंटिन्यू 10 दिन छोड़ दिया है, और पापा भी नहीं चला रहे थे उनको। मैं पापा को मैं जल्दी 2-3 दिन वो गाड़ी सिखाने वाला हूँ, कि पापा भी वो गाड़ी चलाए। और यार मुझे डाउट था, इतना अच्छे से कवर निकाला और देखा तो प्लग वायर काट दिया यार। तो बाटला कॉइल से प्लग में आता है, वो वायर ही काट दिया है। इतना बड़ा प्रॉब्लम है नहीं, चेंज हो जाएगा, लेकिन भाई क्यों काटा यार, चूहा महाराज ने क्यों काटा मेरी गाड़ी का वायर यार। दिल टूट गया यार गाड़ी चलाने का, इसको बोलते लकी गाड़ी, यही साथ देता है हमेशा, लेकिन बीच बीच में बंद हो जाता है बेचारा। बंदे एक सवाल पूछेगा, कब आया क्या, कब आया तू? बस आ गया अभी, तेरा ही नाम लेना था, आ गया कल। हाँ जी, तो सब जगह गया, दोस्तों से मिल के आया, शमशाद से भी मिल के आया, उसको बता किया कि गाड़ी में ऐसा ऐसा हो गया। तो शमशाद बोला कि दोपहर के बाद देखते हैं हम लोग गाड़ी में, और गाड़ी को जो तो खोल के सीट कवर खोल के देख लेता हूँ कि मतलब अंदर भी वायर काटा है कि नहीं। मुझे तो यहाँ सिर्फ एक ही वायर दिख रहा है कि प्लग वायर को काटा है,
तो प्लग वायर भी मतलब एटम शोरूम में गया था पूछने के लिए तो वहाँ पे पूरा असेंबल चेंज करना पड़ता है। लेकिन चाबी घुमाया और ये बाहर, ये भी बाहर, और यहाँ पे जैसा देख रहे कोई वायर तो काटा नहीं है, सब सेट है। इसका जो चेन है, चेन स्प्रोकेट है पूरा, मतलब बारिश में चेन स्प्रे काम नहीं करता भाई, इसमें ऑयल मारने पड़ेगा। चेन स्प्रोकेट जो पूरा लाल लाल हो गया वो भी आपको दिखाता हूँ, ये पैक कर देते हैं वापस से। यहाँ पे आपको दिख रहा है पूरा चेन जो है कैसा लाल लाल हो गया पूरा, चेन स्प्रे बिल्कुल नहीं काम कर रहा। अगर यही इस पर ऑयल लगा होता तो ये बिल्कुल जंग नहीं लगता। तो आज चेन स्प्रे मार के हल्का ऑयल मार के इसको ठीक करेंगे। अभी शमशाद को कॉल करता हूँ कब तक आएगा वो, मैं चाबी मतलब स्टार्ट करने से भी डर लग रहा है मेरे को, शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, कुछ हो ना जाए। तो एक बार शमशाद आ जाए वो चेक कर ले, फिर इसको चालू करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रही है आप लोगों से कि मैं जितना मतलब फ्री ट्रैवल किया उससे पता नहीं कितना पैसा खर्च हो गया है, बहुत ज़्यादा खर्च होने वाला है मेरे KTM दुख में। उससे पहले आप एक वीडियो देखिए कि मैं जब अम्बाला में था तो मेरे सब्सक्राइबर धीरज जी ने मुझको कहाँ कहाँ घुमाया, और अम्बाला में बहुत अच्छी अच्छी जगह है जहाँ पे एक मामा भांजे का दरगाह है वो भी घुमा और पूरा एयरफोर्सेस घुमा। सो आप देखिए, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ कि मेरे KTM में क्या हो गया है भाई, क्या हो गया KTM में। आई डोंट नो यार, क्या हो गया यार, मतलब फ्री ट्रैवल किया, पैसे बहुत बचाए, लेकिन अब जाके पैसे खर्च होने वाले। हाँ जी, मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, मैं अंदर से रो रहा हूँ, बहुत गंदा रो रहा हूँ, बहुत गंदा रो रहा हूँ, क्योंकि बहुत कंगाल होने वाला हूँ मैं, बहुत गंदा कंगाल होने वाला। जब आप वीडियो देखिए उसके बाद बात करते हैं हम लोग। देखिए आप लोग, देखिए कहाँ पे आए हैं। आपको जैसे पता ही होगा कि भाई आपका एक भी उरूस और दरगाह छोड़ता नहीं है, तो हमें यहाँ के एक माँ, कौन से मामा भांजा दरगाह है यहाँ पे एक। सो देखिए अंदर, आई होप आपको दिखे। सो बहुत मतलब मानते बहुत लोग, तो इनका उरूस भी होता होगा, उरूस मेला, उरूस मेला होता है। ये अभी आर्मी के अंडर में, अच्छा ये आर्मी के अंदर में, इतना बहुत बढ़िया बना हुआ सारा आर्मी एकदम साफ चकचक, बहुत सही है, बहुत सही है। देखिए पूरा कवर किया हुआ, एसी पूरा, एसी फुल एसी है भाई, ये पहला दरगाह होगा मतलब जो फुल एसी में, फुल एसी है। मामा भांजा पीर है। कुछ काम नहीं, कुछ मतलब कहानी है इनके, मतलब क्या कहानी, बस इतना तो मुझे नहीं पता, लेकिन बाकी बहुत मानता हूं भाई। बता देना अगर आपको मालूम है तो, ये मतलब मामा भांजा के बारे में, मामा भांजा और कुछ बोलते दादा, डायरेक्ट मामा भांजा बोलते हैं। हां मामा भांजा पीर है, ओके बता देना भाई, आप लोग बता देना। अम्बाला में फोर्स एरिया में, मतलब एयरफोर्स एरिया में, और भाई इतने बड़े बड़े रॉकेट होते हैं। सो यहाँ पे एक डेमो वर्जन रखा है, मतलब कि ये एयरफोर्सेस का एरिया है विशाल। तो यहाँ पे बात मालूम है क्या हो रही है, यहाँ पे भाई साहब हमें छोड़ नहीं रहे, पूरा दिखा रहे कि नहीं, हम आपको दिखा के रहेंगे तो पूरा ये एयरफोर्सेस एरिया पूरा घुमा रहे। जल्दी मुझे घर पर भी ड्रॉप करेंगे, ये जल्दी ड्रॉप करेंगे। ये देखिए लाइट कैसे जगमग जल रहा है यहाँ पे, ये सही है, ये बहुत अच्छा काम करता है ये रस्ते के लिए, मतलब उसका नहीं शूट लेना, लाइट का तो ले रहे हैं एयरफोर्स स्टेशन। आपने वीडियो देख लिया कि रात को मैं और धीरज जी कितना घूम रहे थे, पूरा अम्बाला घुमा रहे थे। अगर मैं थका नहीं होता और काम होता मेरे पास, और मतलब काम नहीं होता तो और घूमता मैं, पर काम था इसलिए कम घूमे। फिर कभी फ्यूचर में जाएंगे तो ज़रूर घूमेंगे साथ में, मैं और धीरज जी। और भाई यहाँ पर KTM में क्या हुआ, KTM को तोप तो आपके घर पर रखा था जिसकी वजह से उसके अंदर चूहे घुस गए और चूहे ने गाड़ी की पूरी वायरिंग काट दी। हाँ जी, पूरी वायरिंग काट दी। अब उसमें बहुत ही गंदा खर्च होने वाला है पैसे, मतलब यही कि मैं फ्री ट्रैवल करने गया था, फ्री ट्रैवल किया, जहाँ मैंने पैसे बचाए यहाँ आके पैसे खर्च हुए हैं बहुत पैसे। पता नहीं कितना खर्च होएगा मुझे नहीं मालूम, अब मुझे ये बात फ्राइडे को मालूम पड़ेगा जो आप शनिवार के वीडियो में देखोगे। अभी कल मैं काम करने वाला हूँ, पता नहीं वो भी कुछ प्लैटिना के बारे में काम करने वाला हूँ। तो भाई बहुत ही गंदा यार, आप अपनी गाड़ी को ना बारिश में तोप ताप के ना रखे, चूहों के जहाँ चूहा रहते हैं वहाँ बिल्कुल गाड़ी ना रखे, बहुत गंदा नुकसान होता है यार। गाड़ी महंगी है, उसके वायर उसके पार्ट्स महंगे मिलेंगे, इसलिए अभी लग रहा है कि KTM नहीं लिया तो अच्छा रहता। हाँ भाई, कहाँ से लाऊंगा यार पैसे, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। बारिश तो मचा रहा भाई, बारिश में ना व्लॉगिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बाइक मॉडिफिकेशन करना, बाइक के बारे में बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर भी मैं रोज़ ट्राई करूँगा कि आपको बाइक के बारे में अपडेट करते जाऊँ। हाँ,
और एक सबसे मेन चीज मैं सोच रहा हूँ एक नया चैनल क्रिएट करने के लिए, जिसमें आएगा USBS फैमिली व्लॉग। हाँ जी, ये सोच रहा हूँ मैं अपनी फैमिली का डेली व्लॉग बनाऊँ कि मेरे फैमिली में रोज़ क्या होता है, कैसे मेरा फैमिली चलता है, कैसे मेरा घर चलता है, इसके बारे में सोचो, जिसे मेरा पूरा फैमिली रहेगा और ये रहेगा फैमिली वाला ब्लॉग। अगर आप चाहते हैं कि मैं फैमिली ब्लॉग क्रिएट करूं, तो उसके लिए कमेंट फैमिली ब्लॉग। हाँ जी, फैमिली ब्लॉग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो बस अभी के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब टू लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा, वरना ये जो बारिश है डुबा देगा। हाँ जी, डुबा देगा, बारिश डुबा देगा मेरे को, बहुत गंदा।